टेंट व्यापारी परिवार के बैनर तले रविवार को एक निजी मैरिज हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए लगाए गए नाइट कर्फ्यू का समय 12 बजे तक बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार खेमका ने कहा, विजय कुमार खेमका अध्यक्ष टेंट हाउस एसोसिएशन। ये नई गाइडलाइन आई है कोरोना से संबंधित शादी ब्याह के लिए, उसके लिए आज हम लोग किसी तरह एक साल से हम लोग इस कोरोना महामारी को झेल रहे थे। अभी जनवरी फरवरी मार्च में भी लगन नहीं था, अभी हमारा सालक जो शुरू होने वाला है, इसके पहले आज गाइडलाइन आई है कि रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाए, ठीक है। और जो अब हम लोग के सब काम रात में ही होते हैं, तो आज हम लोग टेंट हाउस से संबंधित, शादी से संबंधित सभी लोग, जैसे टेंट व्यापार, टेंट के लोग, मैरिज हाउस के लोग, फ्लावर डेकोरेशन वाले, बिजली सजावट वाले, सब लोग मिलकर आपस में मंत्रणा कर रहे हैं और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो रात का कर्फ्यू है इसको 12 बजे रात से लगाया जाए, जिससे कि सब काम आसानी से हो जाए। उसके अलावा हम लोग का ये कार्य है, ये आवश्यक सेवा में इसको डाला जाए, क्योंकि हम लोग जैसे सर्कस वालों की तरह काम करते हैं, एक सामान एक जगह लगाते हैं फिर उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, तो रात के समय ही हम लोग सारा सामान पलटी करते हैं। और तीसरी बात है कि हम लोग के बड़े बड़े फील्ड हैं जहां हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमको उसके हिसाब से, जैसे पिछले बार अनुमति मिली थी कि बड़े बड़े फील्डों में हम लोग काम कर सकें और संख्या को बढ़ा सकें, जिससे हम लोग के रोजी रोटी चल सकें।